हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये मैं बनाने जा रही हूँ आज कढ़ी, तो आपके साथ मैं कढ़ी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सब तैयारी कर ली थी पहले से ही, मसाला भी पीस के रख लिया था। और ये मैं तेल डाल दिया है, इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है, हींग डाल दी है। तो उसके भुनने के बाद में मैं ये साबुत लाल मिर्च डाल देती हूँ और कटा हुआ लहसुन, कड़ी पत्ता, ये डाल देती हूँ। जब ये भुन जाता है तो उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी कट करके। वैसे तो मैं मसाला पीस के बनाती थी, तो मैं ये जो कट के कर रखी थी इसे मुझे बाद में छोंकना था और शुरू में मसाला पीसना था, मैं भूल चुकी थी। तो मैंने इस बार फिर कट करके ही बना दी थी। और ये मैंने अलग से पकौड़ी बना के रख ली थी हमेशा, तो मैं यहाँ पे कढ़ी में पहले भी देखी होगी, तो मैं हमेशा मसाला पीस के इसके बाद में बनाती थी। लेकिन इस बार बस ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने कट करके जैसे काटा हुआ था तो ये सब तो ऐसे ही डाल दिया, ऐसे ही बना दी इस बार मैंने। तो बस और जी पकौड़ी अलग से इसको अच्छे से फैट के बेसन को और ये तल ली थी मैंने। और ये भुनने के बाद में जो दही थी उसको फैट के अच्छे से, और उसके बाद में फिर मेरे को सोचा मैं चलो थोड़ा सा मैं प्याज पीस ही रखी है उसको पीस लेती हूँ, और उसको भी पीस के मैंने इसमें साथ ही साथ डाल दिया था प्याज लहसुन के भी साथ में। तो दोनों एक साथ ही, मतलब कटा हुआ भी और पीसा हुआ भी, दोनों एक साथ ही मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया था, कश्मीरी मिर्च और हल्दी, धनिया, मिर्च, सब चीज़ें, और अच्छे से इसको भून लिया था तेल ही छोड़ा। और उसके बाद जब दही फैटी थी उसमें बेसन डाल दिया था, उसको अच्छे से फैट लिया था और उसमें पानी मिला लिया था, क्योंकि दही में पानी मिलता है। अगर मट्ठा वाली दही वो होती है तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं मिलता, दही वाली में ज़्यादा पानी मिल जाता है। और लाल मिर्च डाली थी, तो ऐसे करके फिर उसके बाद डाल दिया इसमें, और जितना पानी अकॉर्डिंग आप रखना चाहो उसमें डाल सकते हो, क्योंकि वो खदकती है एक घंटे तक। मैं इसको खदकाती हूँ उसी आँच पे थोड़ा सा, और तभी टेस्टी बनती है। अदरवाइज़ फिर उसके बाद में आपको चावल से खानी है, रोटी से खानी है, उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी ठीक से ठीक बनाती हूँ, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती हूँ कढ़ी को, तो मैं अपने हिसाब से ही पानी डाल लेती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिए, ज़्यादा मतलब पतली नहीं होनी चाहिए। और बस आधे एक घंटे पौने घंटे के बाद ये इसको मैं बंद कर देती हूँ, अच्छे से हो जाती है ये। तो इससे मैं कढ़ी बनाती हूँ, आप लोग शेयर करना मेरे साथ में, कमेंट करना कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए ये कढ़ी बन रही है, इतने आप लोग देखिए। साथ में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, तो मैं चावल साफ़ कर लिए, चावल के लिए पानी चढ़ा दिए थे, और साथ साथ में इसको चला भी रही थी। तो बस इसे पानी डाल के, जैसे मैं एक गिलास चावल लेती हूँ तो उसमें मैं दो गिलास पानी डालती हूँ, या डेढ़ गिलास भी डाल देती हूँ, कि मुझे खिले बनाने कैसे बनाने हैं। तो हल्का सा एक चम्मच देसी घी डाल दिया था इसमें, और जब ये पानी गर्म हो चुका था तो ये देखो चावल मैंने साफ़ कर दिए, इनको भिगो रखा था, उसके बाद ये डाल दिए थे। Yeah.
यहाँ पे चावल ये ढक दिए थे करने के लिए, और बस इसी में से थोड़ा सा मैं रिफाइंड डाल दिया था, और साथ ही चावल बनने के लिए हो गया था। देसी घी भी डाल देती हूँ, कभी कभी रिफाइंड भी डाल देती हूँ, जिस हिसाब से होता है वही कर लेती हूँ मैं। तो क्योंकि घी डालती हूँ तो उससे ना थोड़े चुपके चुपके हो जाते हैं, और रिफाइंड से थोड़ा चुपके नहीं रहते। और साथ में मेरे बर्तन भी साफ थे, साफ करी हूँ, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पकौड़ी तलो और कढ़ाई, मतलब कढ़ी बनाते हैं तो वैसे ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो साथ साथ मैंने बर्तनों को भी कर ले रही हूँ, ताकि फिर ज़्यादा ना हो, वरना ज़्यादा हो जाते तो बिल्कुल भी मन नहीं करता करने के लिए। तो ये साथ साथ बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं और बाकी का काम करूँगी जो रह गया उनको करूँगी, गर्मी इतनी है हद से ज़्यादा। तो बस चलिए आप लोग फिर देखें, और उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। भाई अभी बारिश हो रही है, और भाई सब बारिश ऐसी हो रही है, मतलब सारे में धुंध धुंध सी हो गई है। ये ध्यान से आपको शायद से नहीं दिख पा रहा होगा, भाई रात बहुत ज़्यादा हो रही है, और बारिश भाई साहब बहुत बड़ी हो रही है, बहुत ठंड लग रही है भाई, पानी मेरे ऊपर ही आ रहा है भाई साहब, मतलब धुंध धुंध सी हो रही है। आपको ढंग से दिख नहीं रहा था, वो देखो सामने देखो, बारिश हो रही है बहुत तेज भाई, मजा आ रहा है। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था, तो उस दिन था 15 अगस्त, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये हम लोग छत पे सब लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो मेरा बेटा है, मेरी फ्रेंड का बेटा वगैरह सब लोग हैं छतों पे, इन लोग कर रहे थे पतंग वगैरह, तो एक कट रही थी, कोई कुछ हो रहा था, तो सभी की छतों पे पतंग वगैरह उड़ाई गई थी। मैं तो लेट आई थी बस, तभी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, और सुबह से मैं कोई फिर वीडियो भी बना नहीं पाई थी, तो वीडियो का तो ऐसे ही हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो, रेगुलर वीडियो मेरी नहीं जा पा रही है। तो बस मैंने सोचा इतना अच्छा लग रहा था, पतंग ही पतंग सारे में उड़ रही थी, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। हम लोग खड़े हुए हैं साइड में, देखो ये सब मेरी फ्लैट की मतलब बिल्डिंग की हैं सब जो हैं, और ये बच्चे वगैरह सब बिल्डिंग के ही, हम लोग सब खड़े हुए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सही लग रहा है। मैं पाकी से फ़ोन मांग रही, लाओ मुझे दे दो बस। और ये देखो यहाँ पे कैंडल वगैरह जो चलाते ना, वो भी सब उड़ने लगे थे, रात हो गई थी, मैं वहीं खड़े खड़े रात में, और सब लोग ये दिख नहीं रहा वैसे जैसे है ओरिजिनल में, लेकिन इसमें तो ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप लोगों ने कैसा बनाया आप लोग बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल मत करना। और ये थोड़ा लास्ट ईयर की पिक्स रखी थी मैं, हम लोग जब इंडिया गेट गए थे, तो मैं सोचा चलो ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि अब तो वैसे कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो बस ये है। और जो आगे नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे इसी में, तो ये देखो ये मेरे पास आई थी वीडियो, कहीं किसी ने मुझे भेजी थी, तो ये देखो कैसे ये झंडा फहरा रहे हैं, पूरे स्कूल में पानी हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा, ताओ सुबह नामे जागे, ताओ सुबह आशीष मांगे, काहे ताओ जय गाथा जन गौर मंगल गाए, जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय 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 भारत माता की जय।
भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर हो, 15 अगस्त अमर हो, 15 अगस्त अमर हो, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, भारत माता की जय। वंदे मातरम।